सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ वीडियोस से हम आपको कुक विद कीर्ति सिखा रहे हैं, कुकिंग सेशन विद कीर्ति दिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ कुक करके दिखाने वाली हूँ, कुछ अच्छा फास्ट फूड कुक करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज मैं आपको पानी पूरी बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे किचन में। सो गाइज, अब हम आ गए अपनी किचन में। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो पानी पूरी का पानी है वो कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने थोड़ी चीज़ें ली हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये अजवाइन के पत्ते हैं, तो मैंने थोड़े बहुत पत्ते लिए हैं वॉश करके। उसके बाद यहाँ पे हमने ये मिंट लिया है, जैसे कि इसे पुदीना कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये मार्जोराम है, इंग्लिश में इसे मार्जोराम कहते हैं, आप इसके पत्ते देख सकते हैं, हिंदी में इसे मड़ुआ कहते हैं। तो ये मड़ुआ के पत्ते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ली है ये इमली की चटनी, यानी कि इमली के पानी को हमने, इमली जो है उसे पानी में डाल के हमने इसे भिगो दिया था। और जैसे ही भिगो देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो है ये इमली के जो सीड्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, गूदा कहते हैं जिसे हिंदी में, वो पतला हो चुका है बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हम जो है वो इस मिक्सर, इस ग्राइंडर में डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने लिया, इसमें सॉल्ट डालेंगे थोड़ी सी, और यहाँ पे रेड चिली पाउडर। उसके बाद चाट मसाला आप ऊपर से डाल सकते हैं, वो अगर आपका मन करेगा तो आप ग्राइंड करते वक्त डालिए, नहीं तो ऊपर से डाल दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको डालेंगे इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें जो है वो वॉश्ड है, ठीक है। अगर आपको इसको तोड़ के डालना है तोड़ के डालिए, हम ऐसे ही डाल रहे हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हमने अजवाइन के पत्ते लिए हैं, इसको पत्तों को ऐसे ऐसे तोड़ के जो है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। जितना आपको डालना है उतने पत्ते जो हैं आप डाल सकते हैं इजीली, क्योंकि इनकी जो डाल है ये मोटी होती है। तो ये हमने अभी इतने पत्ते डाल दिए हैं। उसके बाद ये जितने भी हैं, ये पुदीना इसमें हमने डाल दिया है, और अब बचा ये इमली का पानी। तो अब हम इसमें इमली का पानी डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे छान के भी डाल सकते हैं, हमने इसे ऐसे डाल दिया क्योंकि हम जो है वो इसे पूरा पानी जो बना लेंगे उसके बाद हम इसे छानेंगे। सो गाइस, जैसे ही हमने इमली का जो पानी है वो डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे जितना आपको स्वाद अनुसार। तो हम इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो नमक डाल रहे हैं। उसके बाद मिर्ची, जितने भी आप जैसा भी खाते होंगे अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। इसमें भी मिर्ची भी हमने 1.5 डाली है। और उसके बाद अब हम इसमें पानी जो है वो भी 1.5 डालेंगे, क्योंकि जो पानी होता है पानी पूरी का, बेसिकली हमें पानी चाहिए, चटनी तो हम बना नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। कंसिस्टेंसी जो है पानी की वो इनसे ज़्यादा होगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो पत्तों के हिसाब से पानी है, आपको दिख रहा होगा कि जो पत्तों के हिसाब से पानी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अब हम इसे क्या है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है हम लिड लगा के और उसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा पानी है वो तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ग्राइंड करने के बाद जो इस पानी है इसको छन्नी से छान के सीधा फ्रीज़र में रख दिया था। अगर आप लोग फ्रीज़र में नहीं रख सकते हैं तो आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप मेरा पानी जो है वो रेडी हो गया है, आप देख ही सकते हैं। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी पानी की देख सकते हैं, कितना लाइट है, कितना पतला है। और जो भी हमने इमली का जो रस डाला था, पानी डाला था, वो उसके छोटे छोटे दाने आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से जो पानी है वो देखने में लग रहा है, और टेस्टी भी लग रहा है। और जो चाट मसाला था वो मैंने ग्राइंड करने के तुरंत बाद डाल दिया था, और उसके बाद ये जो पानी है इसको हमने सीधा फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जो पानी है वो काफ़ी ठंडा हो जाए। तो चलिए, अब पानी तो आपने देख लिया कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को लगेगा कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो आप पानी को टेंशन मत लीजिएगा, आप उसको पूरा ग्राइंड कर लीजिए जितना हो सकता है, और उसके बाद उसे छन्नी से छान लीजिएगा। छन्नी से छानेंगे तो पानी बिल्कुल मेरे पानी की तरह हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो पानी पूरी का पूरी है वो कैसे बनाना है। सो गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है ये पानी पूरी की पूरियाँ हैं, ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और ये 30 रुपये का पैकेट आता है जिसमें 50 जो है ये पीसेस मिलते हैं। आपको नॉर्मली इसे डीप फ्राई करना है, और जैसे ही आप डीप फ्राई कर लेंगे तो आपके जो पानी पूरी की पूरियाँ हैं वो ऐसी बन जाएंगी। ये मैंने इन्हीं पूरियों को डीप फ्राई करके रखा है ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रेडीमेड मिलती हैं, तो आपको इतना जो है वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही गाइस, आप लोगों को पता है कि पानी पूरी में पहले पूरी में चने और आलू भरते हैं, तो इसके लिए मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, उसमें मैंने जो है ये बॉयल्ड चने डाले हैं। 2 सीटी लगवाएंगे जो आपके चने हैं वो बॉयल्ड जो है वो आराम से बॉयल हो जाएंगे चने आपके, जो भिगोए हुए चने होते हैं, ठीक है। उसमें आप नमक वगैरह डाल सकते हैं, ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि पानी में जो है वो ऑलरेडी हमने नमक
और चाट मसाला डाल रखा है तो फिर वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो आप इसमें मैश कर सकते हैं, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपका जो पानी पूरी का मैंने आपको बता ही दिया पानी आपको कैसे बनाना है, आपको ये फिलिंग बता दी आलू और चने की और उसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो पूरी है कैसे बनानी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि घर में कैसे पूरियाँ बनानी है तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अब हम आपको इसका टेस्ट रिव्यू करके भी दिखा देते हैं कि खाने में कितना स्वाद लग रहा है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी पानी पूरी का पानी पूरी और उसमें फिलिंग के लिए आलू चने रेडी हैं। तो चलिए अब आप एक बार व्यू देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है हमारा पानी पूरी। तो चलिए अब हम आपको इसका टेस्ट रिव्यू करके बताते हैं कि जो खाने में कितना स्वाद लग रहा है, क्या ये मुंबई के पानी पूरी जैसा लग रहा है या नहीं। सो गाइस हमारा पानी पूरी फाइनली बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसका टेस्ट रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी प्लेट ले ली है और इसमें ये डाल दिया है, इसमें हम थोड़े से चने आलू डाल देते हैं, ये डाल दिया और अब हम इसमें फाइनली पानी डाल के टेस्ट करके बताते हैं कि जो टेस्ट है वो कैसा है। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट है इसका, जो मुंबई के पानी पूरी का टेस्ट होता है जो गलियों में मिलता है वही टेस्ट आया, बहुत ही टेस्टी है। यकीन नहीं हो रहा कि हमने घर में बना के ट्राई किया है, बिल्कुल वही पानी का स्वाद, पूरी भी बहुत क्रंचीनेस आ रहा है और ये जो सॉफ्ट आलू और नरम नरम से आलू और चने का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आ रहा है। तो गाइस आप लोग भी बना के जरूर ट्राई करिए घर में और खा के जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। और ये जो पानी में आपने जो मरुआ और जो दो तीन पत्ते मैंने एक्स्ट्रा डाले थे, थोड़ा वेरिएशन किया था, उसका टेस्ट जो है वो काफी अच्छा आ रहा है। आप लोग पहली बार ट्राई करोगे क्योंकि ऐसा आप लोगों ने कभी खाया नहीं होगा, नॉर्मली आप लोगों ने पुदीने और धनिया की खाई होगी। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस साइनिंग ऑफ, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इसके साथ ही कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसी लगी है और आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं। सो बाय गाइस।